जनपद गाजीपुर का हथियारा मठ जो करीब 800 साल पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी संचालित होता चला आ रहा है, जहां पर विजयादशमी के दिन विशेष पूजा अर्चन किया जाता है। यहां पर नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार चल रहे पूजन का समापन एवं यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और इसी पूर्णाहुति में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, जिसको लेकर मठ परिसर में तैयारियां पूरे जोरों शोर पर चल रही हैं। तो वहीं प्रशासनिक अमला भी आगमन की तैयारी को लेकर लगा हुआ है, जिसको लेकर एक दिन पूर्व जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारी मठ पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिए। इस दौरान हथियार मठ के पीठाधीश्वर महंत भवानीनंद यति जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे उन्हें यहाँ आमंत्रित करने का जो उद्देश्य था वो केवल अपनी शोभा बढ़ाना नहीं, अपना परिचय बढ़ाना नहीं, बल्कि क्षेत्र का हित करना ही है। हम संपूर्ण क्षेत्र के हित के दृष्टिकोण दृष्टिगत रखते हुए उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमारा आमंत्रित स्वीकार किया। जैसा PWD विभाग के उच्चाधिकारी एक्सएन और GM तक के लोग यहाँ आ जा रहे हैं, उन लोगों ने इसी मंच के माध्यम से गाजीपुर जनपद में कुछ जो नए कार्य वो देने वाले हैं, जो सौगात जनपद को देने वाले हैं, उसका कुछ शिलान्यास भी और जो कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन भी हमारे मंच से वो करेंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में टूटी फूटी जो लिंक मार्ग जिनसे जनता बहुत परेशान है उसको बनवाने की यथाशीघ्र घोषणा भी वो करेंगे। इस दौरान हथियारा मठ के शिष्य संतोष यादव ने बताया, यहाँ की 800 साल पुरानी परंपरा है और इस मठ के 26वें पीठाधीश्वर भवानीनंद यति जी महाराज हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है। इसके साथ ही ध्वज पूजन, समी पूजन और शिव पूजन के साथ ही अनेकों पूजा पाठ के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इसी अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनपद आगमन हो रहा है। देखिए, ये सिद्धपीठ हथियाराम 800 साल पुराना मठ है और 26वें पीठाधीश्वर वर्तमान गुरु जी हैं, तो इसमें परंपरागत ये शारदीय नवरात्र का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। प्रतिवर्ष सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। सतचंडी महायज्ञ के साथ ही साथ वहाँ पर ध्वज पूजन और शमी पूजन और शिव पूजन करते हुए अंत में इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है और उसी विजयदशमी के महोत्सव पर अपने पूर्णावती के पावन अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं। हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं।